नमस्कार हमारे भावी शिक्षक साथियों, आज हम लोग चलते हैं चर्चा करते हैं भारत का नया मानचित्र। जो भारत का नया मानचित्र है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत का नया मानचित्र जो है ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं भारत का नया मानचित्र। करंट अफेयर का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो है अभी जो है राज्यों की संख्या कम हुई है। कश्मीर और जो है कश्मीर और लद्दाख को जो अलग किया गया, इसलिए जो है नया मानचित्र फिर से जारी किया गया है। इसके बारे में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवम्बर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। कब जारी किए? 2 नवम्बर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। कितने राज्य थे जो है? 28 राज्य, 9 केंद्रशासित प्रदेश, क्योंकि जो है जम्मू और कश्मीर को अलग करके दो केंद्रशासित प्रदेश में, पहले 7 केंद्रशासित प्रदेश था तो अब कितना हो गया? 7 × 2 = 9 हो गया। और जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो उसे 29 राज्य था, तो 28 राज्य हो गया। 28 राज्य हुआ, एक राज्य कम हुआ, दो केंद्रशासित प्रदेश बढ़ गया, एक राज्य दो केंद्रशासित प्रदेश में टूट गया था। तो ये हो गया आपका 2 नवम्बर 2019 की बात। ये है, यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। यह मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे में पीओके के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। पीओके मीन्स पाक अधिकृत कश्मीर जो है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है उस क्षेत्र को भी इस नक्शे में दर्शाया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले, लद्दाख में कितने जिले हैं? 2, कारगिल और लेह शामिल है। लद्दाख में 2 जिले, कारगिल और लेह शामिल है, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले शामिल किए गए हैं? 22 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले, और इसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद भी शामिल किया गया है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद भी इस नक्शे में शामिल किया गया है। एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के क्षेत्रों गिलगित वजारत, चिलास जनजाति क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया गया है। अब मेन जो जानकारी आती है, मेन यहां से फिर एक पॉइंट आता है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। जो केंद्र शासित प्रदेश 9 था, 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। और 2 नवंबर 2019 को कितनी थी? 9 थी। जब जम्मू कश्मीर अलग हुआ, दो केंद्र शासित प्रदेश में टूटा था, तब जो है 9 हो गया था। लेकिन जो है बाद में 26 जनवरी 2020 को इसकी संख्या कितनी कर देगी? 8। क्यों केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई? क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक मिला करके एक कर दिया गया। अब थोड़ा सा आपको नक्शा दिखा देते हैं, भारत के नक्शे को दिखा देते हैं। मेन इसमें पॉइंट जो था, 2 नवंबर 2019 को जो है 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश से 28 राज्य थे, और जो है 26 जनवरी 2020 को 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब भारत के नक्शे के दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस नक्शे में देखिए लद्दाख और ऊपर वाले पोर्शन पर देखिए, लद्दाख जो है एकदम ऊपर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर बना हुआ है। लद्दाख ऊपर बना हुआ है, जम्मू कश्मीर उसके नीचे है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया। ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए भारत का नया मानचित्र है, भारत के नई मानचित्र का ये है। ऊपर जो है लद्दाख है, नीचे एकदम ऊपर वाले पोर्शन पे देखिए, ऊपर लद्दाख है, नीचे क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये भारत का नया मानचित्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, भारत के नए मानचित्र का, ठीक है। ये भारत का नया मानचित्र हो गया, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। आप लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है 9 केंद्रशासित प्रदेश, तो 9 नहीं है। 26 जनवरी 2020 को कितने केंद्रशासित प्रदेश हो गए थे? 8 केंद्रशासित प्रदेश हो गए थे, क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव को मिला करके एक कर दिया गया था। तो ये आज की क्लास थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी। और जो भी हमारे साथीगण अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बात जो है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।